देखो हमारा शहर रात में कितना सुंदर दिख रहा है ना। हाँ, ये रात को ज्यादा सुंदर लगता है दिन से भी ज्यादा। ओह नो। मुझे मजा आ रहा है। मम्मी। गोपी, हमें डराना बंद करो। मैं राक्षस हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं खा जाऊंगा। चलो माया को बुलाते हैं। हाँ, माया, आ जाओ। हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हो? गोभी हमें डरा रहा है। हाँ, वो डरावनी आवाजें निकाल रहा है। गोभी, तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो? माया, आसपास कहीं भी बिल्कुल बिजली नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। मैं बोर हो रहा था तो सोचा कुछ मजा करे। गोभी, किसी को परेशान करके आनंद नहीं लेना चाहिए। मुझे माफ कर दो माया, मैं उन्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहता था। गोभी, अपने दोस्तों से माफी मांगो, मुझसे नहीं। सॉरी दोस्तों। कोई बात नहीं गोभी। माया, हम सब बोर हो रहे हैं, पता नहीं क्या करे। ठीक है, क्या तुम कहानी सुनना पसंद करोगे? ठीक है ठीक है, चलो सब नीचे बैठते हैं और मैं तुम्हें सियार की कहानी सुनाती हूँ जो जंगल का भगवान बन गया। हाँ, दिलचस्प लग रहा है। ये कहानी सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि उससे एक सीख भी मिलती है। बहुत साल पहले रंगारियों का एक गांव था। माया, रंगारी क्या होते हैं? रंगारी वो होते हैं जो विभिन्न नैसर्गिक और नकली रंगों का इस्तेमाल कर कपड़ों को रंगते हैं। जैसे अगर आपको अपने कपड़े ड्राई क्लीन कराने हो तो आप ड्राई क्लीनर के पास जाते हो, वैसे ही अगर आपको अलग अलग रंगों में कपड़े रंगने हो तो आप रंगारी के पास जाते हो। अच्छा। रंगारियों के गांव के नजदीक ही एक घना जंगल था, वहां पर ये सियार रहता था। जंगल के सारे प्राणियां अचानक कहां गायब हो गए हैं? 2 दिन से कुछ नहीं खाया हूं, एक टुकड़ा भी नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा फिर तो भूखा मर जाऊंगा। क्यों ना नजदीकी गांव में ताक झांक करके देखूं, कोई छोटा मोटा शिकार ही मिल जाए। हाँ, ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझी। कम से कम भूखों मरने से तो कहीं बेहतर है। और फिर सियार रंगारियों के गांव की तरफ जानवर की तलाश में बढ़ने लगा। हाँ, एक बिल्ला। इसके मांस तो बड़े ही नरम और स्वादिष्ट होंगे, आज तो अपनी निकल पड़ी। अरे बेवकूफ पिल्ले, अब तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा? मम्मी, पापा, मदद करो, मदद करो, बचाओ। मेरे बच्चे को तुम कहाँ ले जा रहे हो? नहीं, कहीं तो नहीं, मैं तो सिर्फ खेल रहा था इसके साथ। देखिए पापा, देखिए। देखा, इसे भी मजा आ रहा है। नहीं, लगता है खिसकने का समय आ गया है। यादगार मुलाकात थी।
जान बची सो लाखों पाए, डूब दबा के भागने का वक्त आया भाई। अरे अभी भी ये पीछे पड़ा है, हे भगवान भागो यहाँ से, भागो 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 भागो। पकड़ो उस कमीने को, आज हम भी सीआर का तंदूरी डिनर करेंगे। लाजवाब, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। अरे भागो भागो, अरे भाई जल्दी भागो, अरे जल्दी पैर चला। अरे अगर तेज नहीं भागा तो इनके पेट में जाकर ही मेरी लीला समाप्त होगी। उसे बाहर आने दो, मैं अपने नुकीले दांतों से उसके टुकड़े करूंगा। ये कौन है? ये तुम मैं क्या कर रहे हो? मुझे लगता है वो एक राक्षस है जो खास कर कुत्तों को खाता है, और खास तौर से बुलडॉग। मुझे लगता है हम सिर्फ एक ही बात कर सकते हैं। वो क्या? भागो। ये कुत्ते मुझे देखकर भाग क्यों गए? इससे पहले कि ये कुत्ते दोबारा मुझे नोचने आए, सीधे उल्टे कदम जंगल में जाके छुप जाता हूँ। क्या बकवास है ये? भाग गया और मुझे देखकर? हाँ, यहाँ तो और कोई भी नहीं है, मगर ये मुझे देखने के बाद यहाँ से भाग क्यों गया? उन कुत्तों से भागते भागते गला यूं सूख गया जैसे कि रेगिस्तान। अभी जाकर थोड़ा पानी पीता हूँ। हाँ, देखो देखो वो है क्या? लगता है भूत है। लगता है किसी दूसरे ग्रह से आया है। भागो, नहीं तो वो हमें खा जाएगा। इन सारे जानवरों को आखिर हुआ क्या है? वो मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं? क्या वो भूल गए हैं कि मैं सिर्फ एक साधारण सियार हूं? हाँ, खैर चलो छोड़ो, पहले अपनी प्यास तो बुझा लूं। ये पानी में कौन है? ये तो मैं ही हूं। अब मुझे पता चला है, ये सारे जानवर मेरे इस नए रूप से डर रहे हैं। अब मैं सियार की तरह नहीं दिखता, अब मैं बदल गया हूं। हाँ, मुझे इस नए रूप का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। सुनो सुनो जंगल के सारे प्राणियों, मुझसे घबराओ मत। मुझे भेजा गया है इस धरती पर दुनिया और संसार के रचयिता श्री ब्रह्मदेव द्वारा, और मुझे आशीर्वाद मिला है दुनिया के पालन करता श्री विष्णु का। दोनों भगवान मिलके मुझे जंगल का राजा घोषित किया है। आज के बाद से मेरे अलावा और किसी से मत डरना। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ, मेरे पास ही आओ, बिल्कुल मत डरो। तुम मेरी सेवा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। महाराज, हम कैसे आपकी सेवा करें? देखो, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए तो लाओ।
और इस तरह सारे जानवरों ने सियार पर विश्वास कर लिया कि अब वो जंगल का नया राजा था। वो अच्छा स्वादिष्ट खाना उसके लिए लेकर आए। फिर सियार ने खाने के हर निवाले का आनंद उठाया। फिर रात हो गई और सियार ने घोषित किया, ये बड़ा ही स्वादिष्ट खाना खिलाया है तुम लोगों ने मुझे। तुम्हारे भगवान यानी कि मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे जंगल के राजा, आपकी सेवा हमारा कर्तव्य है। मेरा सोने का समय हुआ है, अब मुझे आराम चाहिए। और सुनो, मैं नहीं चाहता कोई मेरे आसपास भी भटके। शुभ रात्रि महाराज। और भूलना मत, मुझे एकदम सुबह नाश्ता चाहिए। सुबह होने से पहले ही हम आपके लिए नाश्ता तैयार कर लेंगे। हे जंगल के राजा, हम सुबह जल्दी उठेंगे और महाराज के लिए फल इकट्ठा करेंगे। पर हमें इतनी सुबह कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगी। ठीक है, चलो चलते हैं और नींद पूरी करते हैं। बढ़िया है, पर हम में से किसी को यहाँ जागते रहना जरूरी है, अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। बिल्कुल ठीक, मैं जागता रहूँगा। मैं भी यहाँ रहूँगा। मैं भी यहाँ रहूँगी। ठीक है, तो फिर हम कल सुबह ही मिलेंगे। अगर ये सियार चिल्लाना बंद करे तो अच्छा होगा, नहीं तो हमारे महाराज की नींद खराब हो सकती है। आहा, लड़की सियार, क्यों ना उन्हें बुलाऊं, वो मेरे नए रंग रूप को तो देखें। ये क्या, हमारे महाराज सियार की तरह क्यों चिल्ला रहे? हाँ, मतलब वो हमारे भगवान नहीं, वो एक साधारण सियार ही है। उसने हमें फंसाया है। बंदर, हिरण, जाओ और बाकी जानवरों को बुला लाओ, हमारे महाराज के नाश्ते का समय हुआ है। मैं समझ गया। इस बात से बेखबर कि उसका राज खुल जाएगा, वो अपने दोस्तों को बुलाता रहा। जल्द ही सारे जानवर आ गए और उन्होंने अपनी आँखों से देखा, जिसे वो देवता समझ रहे थे, वो एक मामूली सियार निकला। अरे महाराज, नाश्ता तैयार है। अभी सुबह कहाँ हुई है? ये खास नाश्ता है महाराज, जो हमें आपको अभी देना है। अच्छा, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं सबको ना कैसे कह सकता हूँ कौन कौन से स्वादिष्ट पकवान लाए हैं? नाश्ते का मजा ले रहे हैं ना महाराज, लीजिए थोड़ा और। स्वादिष्ट लग रहा है ना? बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मार डाला। लगता है इसे और चाहिए, मुझे देने दो। और इस तरह सारे जानवरों ने बेचारे सियार की खूब पिटाई की। और इस तरह से जंगल के राजा का किस्सा खत्म हुआ। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? ये सचमुच दिलचस्प था। मुझे सियार के लिए बुरा लग रहा है। गोभी, ये अच्छा है कि तुम्हें सियार के लिए बुरा लग रहा है, पर सियार के इस किस्से से हमें कोई सीख लेनी भी जरूरी है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि वो सीख क्या है? आप अपनी पहचान किसी रंग के पीछे नहीं छिपा सकते। वेरी गुड मॉली। मॉली ने जो कहा है, क्या उसमें कोई और कुछ जोड़ना चाहता है? हमें वो नहीं बनना चाहिए जो हम नहीं बन सकते। बच्चों, मैं आपके जवाबों से बहुत खुश हूँ, पर इसे पूरी जिंदगी याद रखना, ताकि जब भी कभी ऐसा वाक्य आपके साथ हो जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर सके। हम इसे याद रखेंगे माया, ये कहानियाँ हमारे जीवन को प्रकाशमय बना देती है। अच्छा बच्चों, अब मुझे आपको अलविदा कहने का समय आ गया। थैंक यू माया। यू आर वेलकम डियर।
अपना ख्याल रखना। गुड नाइट माया। गुड नाइट माया। बाय बाय। बाय बाय।